नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हां साथियों, कुछ सरकार ने अपडेट दिए हैं मजदूरों के हित में। जी हां साथियों, लेबर वर्क जो मजदूरी का काम करते हैं, अब मजदूरी का मतलब ये नहीं भी ऑफिस में काम करते हैं वो भी आते हैं या फिर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन लाइन का ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे रिलेटेड सऊदी सरकार ने कुछ नए अपडेट दिए हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपको जानना जरूरी है। अगर आपके साथ इन कारणों में से कुछ भी आपके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी आपके जो आपका मालिक है, आपका नियुक्ता, आपकी कंपनी, आपका रबाब, उसकी रहेगी। जी हाँ, उसके खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हैं। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज सऊदी से रिलेटेड रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको पता है भाई, सऊदी अरबिया में आज भी लाखों वर्कर हैं, मजदूर हैं, वो काम करते हैं, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। महिलाओं के मामले भी सऊदी सरकार ने आपको पता है भैया कानून बना रही है और उनको भी बराबर के हक मिलने जा रहे हैं काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। उनसे भी अच्छी न्यूज है, एक तो कोरोना महामारी, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बेरोजगारों के साथ भी दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कंपनियां गड़बड़ करती हैं, बीच में दलाल हैं वो भी गड़बड़ कर लेते हैं, तो इन सबको रोकने के लिए कानून बनाया गया। और औरतों को बता दूं 10 हफ्तों के बजाय 14 हफ्ते की लीव मिलेगी। जी हाँ साथियों, ये भी एक अच्छी न्यूज है महिलाओं के लिए। साथ ही टाइम पे सैलरी भी दी जाएगी। जी हाँ, अगर कोई सैलरी नहीं देता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है उनको टाइम पे सैलरी दे। अगर सैलरी नहीं दी जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी कंपनी के खिलाफ। साथ ही उन चीजों को भी देखा जाएगा, और ये नियम साथियों प्राइवेट जो संस्था है, कंपनी है, उनके ऊपर भी बराबर का लागू होगा। जी हाँ, यदि कोई इन कंपनीज में, इन संस्थाओं में कोई दलाल दलाली करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए बता दूं 2 लाख रियाल से लेके 5 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, ये इसका मेन मकसद ये है कि भाई सऊदी लेबर लॉ के अनुसार पूरा सिस्टम चले, कोई किसी के साथ दिक्कत नहीं आए, इसलिए नियम बनाया गया है। आगे ये भी बताया गया है कि अगर आप बिना लाइसेंस के व्यक्ति को कहीं पर भी काम देते हैं तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है, भारी जुर्माना आपको चुकाना पड़ेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, सभी नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा, इसीलिए जुर्माना ये बनाया गया है। आगे ये भी बताया गया है सऊदी लेबर लॉ में भाई कई बार क्या होता है कि कंपनी है, आपके मालिक है वगैरह वगैरह, रंग देख के गोला गोरा है, सांवला है, या फिर ये सही नहीं है, धर्म जाति नस्ली है, इस आधार पे जॉब के साथ छेड़छाड़, आपके साथ छेड़छाड़ होती है, आपको जॉब नहीं मिलता, आपकी सैलरी वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी कर्मचारियों के साथ उनको सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट, रहना खाना, मेडिकल इंश्योरेंस देना होगा, समय पे सैलरी देनी होगी, अगर आप नहीं देती आपकी कंपनी, आपका मालिक, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे ये भी बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी या गैर कानूनी काम करते हुए वर्कर पाए जाते हैं तो कंपनी उनको निकाल देती है, मालिक निकाल देता है, और उसको अनलिमिटेड था, यानी वो वर्क परमिट पे था लाइफ टाइम के लिए, काफी लंबे समय के लिए, तो उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी उनको दे के फिर निकालना होगा ताकि वो 1 महीने में अपनी सेटिंग कर सके। आगे ये भी बताया, अगर कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई मजदूर, कोई वर्कर काम कर रहा था और वो अगर गलत सिस्टम में पाया जाता है और उनको बीच में निकाल देते हैं तो उनकी जो बची हुई टाइम है उसकी उनको सैलरी देनी होगी, फिर उनको निकाल सकते हैं। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने थे। बाकी भाई आप वहां पे हो, ज्यादा जानकारी लेके आप इन सिस्टम से महसूस, इन सिस्टम को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ताकि आपके ये काम के रहे। बस छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।